जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो म्यूचुअल फंड और फाइनेंस इंस्टीट्यूट होते हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। जो कंपनियां होती है म्यूचुअल फंड वाली और फाइनेंस इंस्टीट्यूट चलाती है उनको वे अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो बिजनेस मॉडल का नाम है केम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड। उसका बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर अपने को बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। लगभग टॉप से 28% डाउन है, मेजर सपोर्ट से यहां से रिवर्स हो चुका है, ब्रेकआउट के नज़दीक है और इसमें एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है। अगर उसको ब्रेकआउट करता है तो इसमें बहुत ही अच्छा, इसमें बहुत ही मतलब 5000 के लगभग तक इसका टारगेट दे सकते हैं। अगर एक दो साल का नज़रिया हो तो कहां पर बाइंग करनी चाहिए, किस तरह से इसकी जन्म कुंडली जानने की समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, उससे पहले डीमार्ट के बारे में, रिलैक्सो और बालाजी माइंस के बारे में डिस्कस किया। इन स्टॉक में आप पहले से इन्वेस्ट हो, प्रेस बाइंग करना चाहते हो, अकुमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये केम्स का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अपने देखो, इसमें अपने को ट्रेंड का पता होना चाहिए। हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि देखिए ये इसमें एक अप ट्रेंड था। लगभग हम जैसे नॉर्मली अपन साइंस में पढ़ते हैं तो देखिए इसमें साइंस थोड़ी बहुत काम करती है। किस तरह से, अगर ये मान लीजिए फिजिक्स में पढ़ते हैं अपन कि ये मान के चल रही है कोई वस्तु अपने को दूर तक फेंकनी होती है तो यहाँ 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। देखिए दोस्तों, 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से अपने को कोई भी अगर कोई वस्तु दूर तक फेंकती है वो धीरे धीरे जाती है। कभी भी ये मान के चलो कि इस तरह से वो नहीं जाती है, ठीक है, तो उसका जाने का तरीका ये होता है, इस तरह से जाएगा वो, ठीक है, इस तरह से जाएगा तो ये मान के चलो कि वो लंबी यात्रा है, लंबी मैराथन करेगा। 2-3 साल के लिए आपको इसमें इन्वेस्ट बने रह सकते हो। ये कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस आप कोई से भी स्टॉक में चार्ट में लगा के देख लीजिए, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम। तो देखो ये मार्केट में ओपन होने के बाद इस तरह से जा रहा था, तो यही नॉर्मली एक डाउट हो गया था। ये आपको कैंपस का, क्लीन साइंस का, बहुत सारे मैं आपको स्टॉक दिखा दूंगा, और जैसे लक्ष्मी ऑर्गेनिक है, इसके सारे स्टॉक में ऐसे ही हो रखा है। तो यहाँ पर आपको 45 डिग्री का एंगल नहीं मिलता है तो ये मान के चलो कि इसमें एक डाउट हो जाता है। दूसरी बात, अब इसको अपन ट्रेंड का पता होना है। तीन तरह के ट्रेंड होते हैं दोस्तों, ट्रेंड की बात करें तो तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो अप ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, देखिए टेक्निकल लैंग्वेज में, मैं देसी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, फिर अपन टेक्निकल में चलेंगे। देखिए यहाँ पर मैं इसको एग्जाम्पल मान लीजिए कि अपना ये घर है, छत है, ये ठीक है छत है, तो ये इसकी सीढ़ियाँ हैं, ये मकान है, तो इसमें ये छत, ये मान के एग्जाम्पल इस तरह से समझते हैं। तो ये यहाँ पर मतलब कि छत है, छत है, तो यहाँ पर छत है तो अपन इस तरह से जाते हैं। तो अपना क्या होता है, देखो एक पैर ऊपर ऊपर वाली सीढ़ी पर, एक नीचे वाली पर, इस तरह से अपन जाते हैं। तो ये टेक्निकल लैंग्वेज में इसको एक को टॉप मान लेते हैं, एक बॉटम मान लेते हैं। ऊपर वाला टॉप क्या होगा, हायर टॉप, हायर टॉप, हायर टॉप, ये बॉटम होता है तो इसको क्या बोलेंगे, हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम। तो ये अप ट्रेंड का मतलब उसकी पहचान हो गई। और यहाँ पर अगर कोई छत पे पहुँच जाता है तो वो क्या करेगा, पहले छत पे घूम लेगा, ठीक है, घूमने के बाद में रुकेगा थोड़ा दूर, फिर अगर वो वापस आना चाहेगा तो क्या करेगा, अगर वो वापस आता है तो अपने को पता कैसे चलेगा भाई वापस आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पहली वाली सीढ़ी यहाँ पर छत के ऊपर, बाद में ये सीढ़ियाँ थी नहीं, ये ऊपर वाली सीढ़ी, ऊपर ऊपर वाली, उस पर पैर रखेगा तो अपने को पता चल जाएगा कि ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसको टेक्निकल लैंग्वेज में जो यहाँ पर हायर बॉटम पैटर्न था, तो हायर बॉटम पैटर्न को इससे नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। ब्रेक डाउन का मतलब जैसे मारुबुजा कैंडल होती है बुलिश और बियरिशिंग, तो यहाँ बियरिशिंग मारुबुजा टाइप की कैंडल बनेगी, तो आप समझ जाना कि ये ब्रेक डाउन हो गया। फिर बाद में यहाँ पर ये नीचे की तरफ, ये नीचे वाली सीढ़ी मान लीजिए नीचे की तरफ है, तो वो इस तरह से आएगा, कभी भी ऐसे नहीं गिरेगा वो, ठीक है, वो आएगा तो इस तरह से, और कभी इस तरह से गिर जाए तो उसका मतलब कि अपने टेक्निकल चार्ट वहाँ पर काम नहीं करता है, कोई सेंटिमेंट या न्यूज़ की वजह से होता तो वहाँ पर अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो इस मतलब उसमें कोई काम वाली बात नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको, इसे ये देखो, इसमें क्या किया, इसमें एक टॉप ले लिया और नीचे वाला बॉटम ले लिया, इसमें लोअर टॉप होगा, लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम। अब ये यहाँ पर छत पर नीचे आ गया सीढ़ियों पर, ठीक है, नीचे सीढ़ियों से घर पर सफर पर आ गया। अब मान लीजिए ये डाउन ट्रेंड हो गया, अब अगर उसको वापस जाना होगा, ध्यान से समझिए, इसको वापस जाना होगा तो क्या करेगा, सबसे अपन छत पे से नीचे आ गए, अपने बोल दिया कि भाई वापस जाना है तेरे को छत पे, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ इधर नीचे की तरफ अपने मुँह कर रखा था, वापस घूमेंगे, वापस घूमेंगे, यहाँ सपोर्ट पर कोई बाइंग TRCP मिलेगा, बाइंग TRCP, बुलिश इनगल्पिंग, बुलिश रामी, अलग अलग पैटर्न होते हैं, 6-7 पैटर्न है, तो उसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो कहीं से भी। फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, तो ब्रेकआउट जो ब्रेकआउट कब करेगा, जब इसके मान लीजिए वो घूम के फिर ऊपर वाली जो सीढ़ी से नीचे उतरा था ना, उस सीढ़ी पर पैर रखेगा। अब सीढ़ी पर पैर रख दिया तो मान के चलो कि वहाँ पर ऊपर की तरफ जो यहाँ पर सीढ़ी पर पैर रखेगा वो क्या है, टेक्निकल लैंग्वेज में लोअर टॉप पैटर्न था ये, और लोअर टॉप पैटर्न, देखो मैं ज़्यादा हो गया इसको, एक बार थोड़ा सा मिटा के बाद इस तरह से करते हैं,
ठीक है, तो ये लोअर टॉप पैटर्न, ये लोअर टॉप पैटर्न था, लोअर टॉप पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, यहाँ से घुमा और ब्रेकआउट करके पुल बैक पैटर्न आके फिर निकल जाएगा, तो इसलिए ये ट्रेंड चेंज हो गया, ये डाउन ट्रेंड था। अब तीसरा अपन बात करते हैं साइडवेज। साइडवेज देखो कंसोलिडेट होता है, ये कंसोलिडेट रेंज बाउंड एरिया होता है, इसमें अपने को काम नहीं करना होता है, केवल स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। लंबा रिटर्न आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिल सकता, जब तक कई स्टॉक होते हैं जो दो दो तीन साल तक रह जाते हैं, तो उनमें अपने को अवॉइड करना चाहिए, तो साइडवेज को अपने को ध्यान में ज्यादा नहीं देना है साइडवेज। अब इसमें दोस्तों देखिए किस तरह से आए, अब इसमें इस पर समझने की कोशिश करते हैं, जो अपन छत वाला एग्जांपल लिया था ना उसको देखिए, देख सर एक टॉप ले लिया एक बॉटम ले लिया, ऊपर वाला टॉप देखो यहाँ पर, टॉप मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो आपको और भी थोड़ा सी दिख जाएगा इसको, ये देखिए। अब इसमें देखिए एक टॉप ले लिया और नीचे वाला क्या हो बॉटम हो गया, अब ऊपर वाला क्या हायर टॉप, ये हायर टॉप, ये हायर टॉप, ये हायर टॉप, अब बॉटम ये हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम, अब क्या है कि सॉरी इसको नीचे की तरफ आएगा, अब नीचे की तरफ यहाँ पर जो लोअर टॉप पैटर्न था ना तो यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन कर दिया था, देखो अब ब्रेक डाउन किया तो देखिए कौन सा कोई मारोबूजा टाइप की कैंडल बियर्सिंग बनी होगी। अब इसको अपन वापस उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, कौन से में, कैंडल स्टिक पैटर्न में। अब देखो यहाँ पर अपने पहले पता नहीं था, देखो यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया तो इसको बोलते हैं बियर्सिंग मारोबूजा टाइप की कैंडल, यहाँ पता चल गया था कि इसमें सेलिंग प्रेशर आएगा, यहाँ थोड़े दिन बहुत दिनों तक ये नीचे की तरफ आएगा, तो इसको अब डाउन ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पता चल गया था, अब इसने टॉप ले लिया एक बॉटम ले लिया, अब नीचे वाले लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप, और यहाँ पर लोअर बॉटम, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम बने, अभी तक इसका डाउन ट्रेंड ही चल रहा था, डाउन ट्रेंड में ही एक बार भी इसने अपने जो लोअर टॉप पैटर्न थे ऊपर वाले लोअर टॉप पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन नहीं किया था, अब कर दिया है, कहाँ किया है वो देखते हैं, मैं इन पे लाइन चार्ट लाइन कन्वर्ट कर देता हूँ। देखिए इसका एक ये था, एक ये था और एक ये था, तो दोस्तों इसने इसको देखो ब्रेकआउट करता है, ब्रेक डाउन किया था, ध्यान से समझिए ब्रेक डाउन किया था तो इसको मारूबूजा टाइप की कैंडल बियर्सिंग बनी थी, और ब्रेकआउट किया है तो इसको ब्रेकआउट किया तो मारूबूजा टाइप की बुलिश कैंडल बनी है। इस कैंडल और इस कैंडल में आप डिफरेंस देखिए किस तरह सेम टाइम, केवल डिफरेंस क्या सेम है, एक बुलिश है ये बियर्सिंग है, ये कैंडल रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल, और कहीं भी ज़्यादा इस तरह की कैंडल नहीं बनी है जब लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट किया, तो ये लोअर बॉटम पैटर्न, ये हायर बॉटम पैटर्न को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया था और ये लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ, वो ब्रेकडाउन किया था ये ब्रेकआउट किया है, ठीक है। अब ये ब्रेकडाउन ब्रेकआउट हो गया दोस्तों, अब ये पुल बैक पैटर्न के लिए आया इस तरह से, तो अब यहाँ पर अब देखो इस तरह से ये ब्रेकडाउन करके वापस गया था ना इस तरह से, तो यहाँ पर एक रिटेस्ट किया था और ये सेलिंग टीआरसीपी बना था, जो सपोर्ट था सॉरी यहाँ मीन्स सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम किया, और यहाँ पर आप देख पाओगे तो एक सेलिंग टीआरसीपी बना है, क्या है उसका मैं आपको नाम बता देता हूँ, इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, देखो ये इसका थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, ये देखो ये एक रजिस्ट पहले सपोर्ट सपोर्ट था वो रजिस्टेंस का काम किया, एग्जैक्ट वहीं करके फिर ये नीचे की तरफ आ गया, तो अब यहाँ पर इसको अब अपने को क्या करना, इस वीक जैसे एक दिन बचा है जहाँ हम बात कर रहे हैं आज 21 तारीख के लिए, अब कल आपको वीडियो मिलेगा, तो ये मान के चलो यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी मिल जाता है, यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी मिल जाता है तो आप ये मान के चल लीजिए यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, किस तरह से होगी वो देखिए, ये यहाँ पर इस तरह से ये देखिए यहाँ पर एक ये सपोर्ट था और सॉरी रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद हम पुल बैक पैटर्न, अब ब्रेकआउट का नियम देख लेते हैं किस तरह से, ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर देखिए अचानक ही कोई भी ब्रेकआउट होता है कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पर अचानक कुछ अचानक ही हुआ था ब्रेकआउट, ठीक है ब्रेकआउट अचानक हो गया तो वापस कुछ नहीं करना, शांति से बैठना है, वापस वो प्राइस एक्शन आएगी, तो ब्रेकआउट के नियम में क्या है, ब्रेकआउट होता है तो अचानक होता है तो वापस पुल बैक पैटर्न के लिए यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी बनेगा तो अपन बाइंग कर सकते हैं। दूसरा नियम क्या होता है, अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के पास में यहाँ प्राइस एक्शन बनना चाहिए, कंसोलिडेट करना चाहिए, 15 कैंडल बननी चाहिए डेली टाइम फ्रेम में, ये दो नियम से अपन काम करते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा पैटर्न काम करता है इस तरह से, तो इसका ये देखिए ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट के बाद हम पुल बैक पैटर्न आए, अब नीचे यहाँ पर क्या है सपोर्ट की, सपोर्ट पर बाइंग टीआरसीपी मिल जाता है, रियल में ब्रेकआउट कब होगा वो भी देख सकते हो, रियल में ब्रेकआउट ये होगा, अब इसमें इसको ब्रेकआउट करेगा, प्राइस एक्शन देख लीजिए आप कितना है, 3000 है सॉरी 3000 है, और यहाँ पर अगर कोई बाइंग टीआरसीपी मिल जाता है, कोई भी बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न, तो यहाँ पर बाइंग की जा सकती है, ये हो गया अपने ट्रेंड को देखा है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें एक बहुत ही शानदार पैटर्न बन रहा है, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, देखिए दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और जिन मेहमानों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए एक हमने एक पैटर्न पढ़ते हैं उसको बोलते हैं राउंडेड बॉटम पैटर्न, किस तरह से होता है वो इस तरह से होता है,
इस तरह से आता है, यहाँ पर इस तरह से प्राइस एक्शन बनता है और फिर ये इस तरह से जाता है कई स्टॉक में, जैसे अतुल में भी बना है, कई स्टॉक में बना है, तो इस पैटर्न यहाँ पर देखो। अब इसका देखिए, अब एंट्री करनी होती है तो यहाँ ही करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर किस तरह से काम कर रहा है देखिए, ये देखो इस तरह से ही एग्जैक्ट पैटर्न बन रहा है। अगर ये काम कर गया, यहाँ से ब्रेकआउट होता है और ट्रेंड देखो, ट्रेंड भी चेंज होगा, राउंडेड बॉटम पैटर्न का भी ब्रेकआउट होगा, और दूसरा अपन देखेंगे दो तीन चीज़ें, वो तो ठीक है। अब इसको ब्रेकआउट करेगा तो ये टारगेट इसका क्या होगा, ये 4200 के लगभग ही टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट। इससे पहले मान के चलो 4000 के लगभग या 4200 के लगभग इसमें होगा, तो यहाँ पर इस तरह से बाइंग कर सकते हैं अपन। अब इसका दोस्तों थोड़ा सी एक बार बिजनेस मॉडल देख लेते हैं किस तरह से इसका बिजनेस मॉडल है। देखिए बिजनेस मॉडल की बात किया जाए तो इसका मार्केट के ऊपर 13,340 करोड़ का है, करंट प्राइस है 2712 का, हाई गया इसका 2989 का। दोस्तों ये हाई केवल 52 वीक का है, 42 अपने देखा था वो हाई, मतलब टॉप लगाया था इसमें। स्टॉक पी ए 44 है, आरओसी इसका 48 है, आरओई इसका 37 है, ये इसके अब फेस वैल्यू भी 10 है, फेस वैल्यू 10 है। अगर स्प्लिट होती है कुछ ऐसा बोनस वोनस रहता है तो आपको इसमें क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब बात कर लेते हैं दूसरा से क्वार्टरली रिजल्ट, क्या क्वार्टरली रिजल्ट सही में ठीक है या किस तरह से, ये देखते हैं अपन। देखो सेल देखेंगे ज़्यादातर, क्वार्टरली रिजल्ट बैलेंस शीट में यही देखी जाती है, सेल कितना, एक्सपेंडिचर कितना है, और नेट प्रॉफिट में है या घाटे में है, वो चीज़ें। तीन क्वार्टरली रिजल्ट देख लें, ईयरली अपन नहीं देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट से पता चल जाता है कि सिनेरियो पीछे का क्या चल रहा है। देखो मार्च का, जून का और सितंबर का, अब किस तरह से मार्च का देखिए, इसका सेल कितनी हुई है 237 244 और बाद में 255, तो ये इसका बढ़ रहा है। एक्सपेंडिचर की बात करें 132 बाद 138 और 138 एक्सपेंडिचर, देखिए इसका सेल तो बढ़ी है लेकिन इसने एक्सपेंडिचर पर कंट्रोल किया, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। और बाद में बात करें नेट प्रॉफिट ही देख लेते हैं, डायरेक्ट नेट प्रॉफिट में है किस तरह से है वो देख लेते हैं, एक सेकेंड। ये देखिए नेट प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों ये देखिए, पहले 73 था, अभी 81 है, 81 करोड़ का, मतलब इसका नेट प्रॉफिट कंपनी एकदम प्रॉफिटेबल आ रही है, ठीक है। पहले देखो ये देखो ये कम था, मतलब एक कंसोलिडेट था तो प्राइस एक्शन कंसोलिडेट ही था, इस तरह से धीरे 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 ये बढ़ रहा है। अब ये दो क्वार्टर तीन क्वार्टर से बढ़ रहा है, तो मतलब कंडीशन इसका क्वार्टरली रिजल्ट ठीक है, अपनी ये फंडामेंटल देख लिया। अब थोड़ा और देख लेते हैं इसकी बैलेंस शीट, देखते हैं कि क्या इसका बैलेंस शीट है, इसने क्या तामझाम मचा रखा है। इसका देखिए कैपिटल कितना है, शेयर कैपिटल इक्विटी कैपिटल 49 करोड़ का है, हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो मतलब करोड़ में वैल्यू दी हुई है सारी, है ना। रिजर्व मतलब इसके पास में खजाने में कितने, खजाने के पास में इसमें पैसे कितने हैं, 740 करोड़ का इसके पास में खजाने। कर्जा देखिए बात है 80 करोड़ का है, कर्जा कोई ज़्यादा नहीं है कंपनी के पास में, लोन वोन ले रखे हैं इन्हें सारे। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में कितनी होल्डिंग है, एफआईएच के पास में, डीआईएच के पास में और पब्लिक के पास में। देखिए प्रमोटर के पास में इसमें पहले 30 था, अभी इसमें देखो 90, एक नेगेटिव पॉइंट मान सकते हो कि इसमें प्रमोटर के पास में होल्डिंग। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सारी चीज़ें बताई जाएगी, आपका डिसीजन, आप कोई भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, बाद में डिसीजन ले लीजिए। ये केवल एनालिसिस है एजुकेशन पर्पज से कि इसमें जन्म कुंडली, आपको डिसीजन खुद बाय करोगे तो आपको ही लेना पड़ेगा, लेकिन इसका जन्म कुंडली है कि किस तरह का बिजनेस मॉडल है, टेक्निकल चार्ट क्या बोल रहा है, सारी चीज़ें। एफआईएच की होल्डिंग दोस्तों इसकी बहुत ही शानदार है, ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। एफआईएच की देखो होल्डिंग बढ़ी है इसमें, डीआईएच की होल्डिंग भी बढ़ गई, मतलब डीआईएच की होल्डिंग बढ़ी और पब्लिक की भी होल्डिंग, पब्लिक की होल्डिंग 25% है, पब्लिक ने इसने बेच दिया होगा, पहले 32 थी और ये मतलब कि देखो पब्लिक ने बेचा है ना वही एफआईएच डीआईएच ने। अब पब्लिक को जितना टेक्निकल चार्ट का पता नहीं रहता, अगर किसी ने ऐसे लिया टेक्निकल चार्ट या मतलब चीज़ें सीख के की वो तो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे ही कर लिया तो वो दिक्कत है। अब थोड़ी इसकी साइड पर चल लेते हैं दोस्तों, इसकी कंपनी की बात किया तो 25 ईयर का इनको एक्सपीरियंस है ना, 25 ईयर का एक्सपीरियंस, 25 से ये काम कर रहे हैं। अब इनका देखो सर्विस है कौन कौन सी है, म्यूचुअल फंड में अल्टरनेटिव सर्विस भेजी है, रिकॉग्नाइजेशन है, लोन भी देते हैं अगेंस्ट म्यूचुअल फंड के लिए, पेमेंट मोड है, पेमेंट भी ये कुछ है, इनका प्रोसेस होगा उसको देख से, अकाउंट अग्रेसिव है, सेंट्रल रिकॉर्डिंग की एजेंसी भी है, केवाईसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कोई केवाईसी करते हैं ना अपन, जैसे अपने बैंक का होता है ऐसे सारी चीज़ें केवाईसी इनमें ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, इंश्योरेंस कंपनियों की सर्विस प्रोवाइड करने, इनोवेटिव सेंड बॉक्स भी होता है, ये सारी इसमें जाके आपको साइट पे और इसका चेक कर सकते हो इसकी कैम्स की। अब देखिए इसमें अब अपन और देखते हैं चीज़ें किस तरह से। अब इसमें एक 200 मूविंग अपने देखा, दो चीज़ें याद रखना, एक तो क्या डाउन ट्रेंड है उसका ब्रेकआउट हुआ है, डाउन ट्रेंड था तो अप ट्रेंड में आ गया, ब्रेकआउट हुआ है, पुल बैक पैटर्न का वेट करना है। दूसरा राउंडेड बॉटम पैटर्न बना है उसका भी ये ब्रेकआउट हो रहा है, तो दो चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ और देखते हैं दोस्तों, एक अपन 200 मूविंग एवरेज देखते हैं कि वो किस तरह से काम कर रही है 200 मूविंग एवरेज।
डेली टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज देखते हैं। अब देखो इसको ब्रेकआउट कर दिया था, ब्रेकआउट 200 मूविंग एवरेज का पहले भी हुआ था, लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, देखो ब्रेकआउट हुआ वापस आ गया, ब्रेकआउट हुआ वापस आ गया, ब्रेकआउट हुआ वापस आके पुल बैक टेस्ट करके फिर ऊपर चला गया, ठीक है। और आज की बात करें हम, देखिए इसमें आज क्या बना है। अब दोस्तों कल की बात है, अगर आज की बात करें तो ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न पर यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी डेली टाइम फ्रेम में बन चुका है। अब ब्रेकआउट कब होगा, जो एक सेकंड, इसका कंफर्मेशन कब होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो बुलिश ये बाइंग टीआरसीपी है, एक सेकंड क्या हुआ है, हाँ 27 मतलब 2775 के लगभग है। तो ये देखो ब्रेकआउट किस तरह से होता है, ब्रेकआउट हो गया, पुल बैक पैटर्न है, अब यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी बना है। अब अगर इसको ऊपर की तरफ बढ़ेगा कौन सी बनी है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनी है, बहुत ही शानदार कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो अब वीकली टाइम फ्रेम में बन जाती है तो ये सबसे अच्छा, तो मतलब 200 मूविंग एवरेज का भी इसने ब्रेकआउट कर दिया है। अगर कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ही रहेगा तभी ये ब्रेकआउट होगा, मतलब अच्छी रैली देगा, नहीं तो नहीं देगा दोस्तों। इस तरह से देख सकते हो इसमें कि देखो डेली टाइम फ्रेम में सारे में, वीकली टाइम फ्रेम में बनाया तो डेली टाइम फ्रेम में भी ये पैटर्न बनेगा, राउंडेड बॉटम पैटर्न। देखो इस तरह से ये ऊपर की तरफ, यहाँ टारगेट मतलब यहाँ तक जाएगा जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से मेरे हिसाब से रणनीति बनाई जा सकती है। आप इसमें बाद में जो पहले से इन्वेस्ट है एकुमुलेट भी कर सकते हो। अगर बाई चांस इसे ब्रेकआउट नहीं होता, इस तरह से आ जाता है, तो लोअर लेवल पर जो ये डिस्कस किया है अपने, इस लेवल पर वापस आता है। एक नेगेटिव पॉइंट भी अपने को ध्यान रखना चाहिए कि ये जरूरी थोड़े, अगर ब्रेकआउट या पुल बैक पैटर्न नहीं आया, नीचे की तरफ आ गया, तो क्या करना है। कैंपस बिजनेस मॉडल अच्छा है, शेयर मार्केट से रिलेटेड है, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, इंश्योरेंस कंपनी है उनसे रिलेटेड है, तो म्यूचुअल फंड का और इंश्योरेंस कंपनियों का बिजनेस बढ़ने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इनको ये सारी सर्विसें प्रोवाइड करवाते हैं, कोई भी चीज अपन अकाउंट ओपन करते हैं वहां से लेके इसकी केवाईसी करते हैं, ये भी इनका केवाईसी का सर्विसेज होती है, वो सारी प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर बाय चांस इसको ब्रेकआउट कर नहीं करे, वापस आ जाए, तो दोस्तों बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मान लीजिए 2000 के लगभग होगी। इस रेंज में नहीं करनी है, ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न पर आप कर सकते हो, अदरवाइज इस रेंज में मिल जाती है तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी, वो बहुत ही रियर चांस में आ जाए, लेकिन अगर मिल जाता है कभी तो आप कर सकते हो इस तरह से। दोस्तों बाद में रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ मिलेंगे, रेजिस्टेंस आप इस तरह से रेजिस्टेंस देखते हो तो ये रेजिस्टेंस है अभी, फिर बाद में ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस और बाद में ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट का हमने दो नियम निकले, उस तरह से ये 5000 आराम से जा सकता है। 5000 मतलब ये देखिए पहले इसका कितना है, 42 तो है ही, और फिर ब्रेकआउट होगा तो बहुत ही अच्छी रैली देगा, इस तरह से आप देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगो, कंटेंट अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, जिन मेहमानों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कंटेंट नहीं अच्छा लगो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो उसमें क्या कमी है दोस्तों, हम सुधारने की कोशिश की जाएगी। आपका कोई भी सुझाव हो, अगर किसी स्टॉक में आप बस वो एनालिसिस चाहते हो, बिजनेस मॉडल का समझना चाहते हो, सारी चीज़ें, तो आप उसके कमेंट में बता सकते हो, उसमें आप हम डिस्कस करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।